मुरादाबाद के रहने वाले शिक्षक रोहित कुमार का बस में से लैपटॉप के साथ बैग में रखे शैक्षिक दस्तावेज गायब होने से बस में हड़कंप मच गया। रोहित ने इसकी सूचना बस चालक और परिचालक को दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। रोहित कुमार ने अपने साथ हुई घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस बारे में जब रोहित कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे रोज की तरह पीतल नगरी रोडवेज बस में चंदौसी के लिए सवार होकर जा रहे थे, तभी सीट के ऊपर रखा बैग गायब हो गया। अधिक जानकारी देते हुए रोहित कुमार ने बताया कि समस्या सर ये है, रोजाना की तरह आज भी मैं ड्यूटी के लिए निकला था, तो ये सुबह 6 बजे की बात है जब मैं चंदौसी जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में सवार हुआ। बस पीतल नगरी डिपो की है, तो मेरे साथ में कुछ सामान भी था। मेरे बैग में मेरा लैपटॉप था और कुछ दस्तावेज भी थे। तो जब बस डिपो से निकली तो मैंने देखा कि जो मेरा बैग था वो मेरे पास नहीं था, मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा वो बैग चोरी कर लिया गया है। मैंने तुरंत इसकी सूचना चालक और परिचालक होते को दी। उन्होंने ऑलरेडी मौखिक सभी से पूछताछ की, सभी इस बैग को देखा बट कहाँ नहीं मिला। तत्काल मैं उत्तर प्रदेश परिवहन के खटघर बस स्टेशन आया, यहाँ भी आकर अपनी प्राथमिक कार्रवाई की। साहब उस समय तक नहीं बैठे थे, वहाँ के कार्य सहायक जो भी थे उनसे मैंने तलाक किया, तो वहाँ सीसीटीवी देखी। जिस गेट पर ये घटना हुई है उस गेट पर सीसीटीवी ही नहीं था। ये हमारे लिए बहुत ही शेमफुल बात है कि हमारे इतने बड़े डिपो के बस स्टेशन के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। गेट पर सीसीटीवी कैमरा भी है तो वो ये अवस्था में नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि उसके अंदर जगह भी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद फिर थाना कटघर गया द्वारा, वहाँ कार्रवाई हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, वहाँ SI साहब ने मेरी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की। करने के बाद उन्होंने उसको साइबर सेल में भी ट्रांसफ़र किया है, बट अभी तक मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है जिससे कि मैं संतुष्ट हूँ। तो मेरी उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की मांग है कि जो भी मेरे महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हुए हैं वो मेरे तक वापस लाए जाएं, आगे से इस तरह की घटना किसी के साथ भी ना हो। नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। तो आज जैसे मैंने देखा कि एक बस स्टेशन पर CCTV नहीं है, है भी तो वो बहुत ही ख़राब अवस्था में, ये हमारे लिए बहुत सर्दी की बात थी।